वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्वीन। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चॉकलेट पेड़ा, जिसमें मैं ये पैन को गैस पे डाल दी हूँ और गैस को ऑन करके इसे थोड़ा देर गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ। अब मेरी पैन जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डालूँगी और इसे भी थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए हमारी जो ये घी है अब गर्म हो चुकी है। अब ये 4 टेबल स्पून मैदा है, इसे मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। देखिए ये जो है मेरा मैदा, ये अभी फ्राई हो रही है धीरे धीरे। इसे इसी तरह से मैं चलाती रहूँगी जब तक यह ब्राउन ना हो जाए, तब तक मैं इसे भूनूंगी। देखिए हमारी मैदा जो है अब ब्राउन होने ही वाली है, बहुत अच्छी तरह से यह भुना चुकी है। ये देखिए मेरी मैदा जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून चीनी जो है मैं पाउडर बना चुकी हूँ, इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे भी मैं इसी तरह से चलाती रहूँगी। इसमें चीनी का पाउडर ही लेना है, चीनी नहीं लेना है, नहीं तो वह इसमें अच्छी तरह से गल नहीं पाएगी। देखिए अब जो है चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 कप दूध ऐड करूंगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से चला लूंगी। दूध भी जो है इसमें अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब देखिए ये बैटर जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ करके इसे एक बॉल में निकाल लूंगी। अब देखिए मैं इसे एक बॉल में निकाल ली हूँ। अब चलिए फिर दूसरा कुछ तैयारी करूंगी। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए मैं गैस पे पैन डाल दी हूँ और ये 1 गिलास दूध है वो मैं इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से खोआ तैयार करूँगी और इसे इसी तरह से फिर मैं चलाती रहूँगी। मेरी दूध इसी तरह से धीरे धीरे खोआ बन जाएगी तो फिर मैं इसे उतार लूँगी। देखिए अब देखिए ये खोआ जो है मेरी बनने ही वाली है। इसमें भी मैं 4 टेबल स्पून चीनी का पाउडर ऐड करूंगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से चलाती रहूंगी। देखिए हमारी खोआ जो है अब अच्छी तरह से बन चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ करके एक बॉल में इसे निकाल लूँगी। अब चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए मैं ये खोआ तैयार की हूँ, जिसे मैं इसमें डाल देती हूँ और ये भी मैं तैयार की हूँ, इसे भी मैं डाल देती हूँ। इसमें मैं 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ और मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है जिसे मैं अपने से कूट के मैं रखी थी वही डाल रही हूँ और मैं ये सारे कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें सारे कुछ मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसमें अमूल दूध पाउडर जो है
वो 2 चम्मच ऐड करूँगी और इसे अभी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच मधु ऐड कर रही हूँ और इसे अभी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से ये देखिए सारे कुछ मैं मिला करके इसका डो तैयार कर ली हूँ। अब मैं इससे चॉकलेट पेड़ा बनाऊँगी। अब देखिए इससे मैं चॉकलेट तैयार करूँगी। अब मैं इससे चॉकलेट पेड़ा तैयार करूँगी। ये देखिए इसी तरह से हमें चॉकलेट पेड़ा तैयार करनी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मैं इसे इस तरह से गार्निश करूँगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी ये चॉकलेट पेड़ा। अब मैं इसी तरह से सारे चॉकलेट पेड़ा को इसी तरह बना के तैयार करूँगी। ये देखिए हमारी चॉकलेट पेड़ा बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये चॉकलेट पेड़ा बनी है। इसी तरह से आप भी बनाएं खाएं तो आपको बहुत ही बेस्ट लगेगी। इसी तरह से आप बनाएं, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।